हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक लवर। दोस्तों आज हमें स्नैक रेस्क्यू के लिए महेश प्रसाद जी के घर से कॉल आई है। अलमपुर स्थित मस्जिद रोड के पास इनका घर है, आवास है, आप देख सकते हैं। थोड़ा बाहर से दिखा दीजिए, ये जो है इनका घर जो है झोपड़ी नुमा घर है। और उसके बाद थोड़ी देर पहले लोगों ने हमें कॉल किया और बताया साथियों कि तो लोगों ने बताया कि आप देख सकते हैं ये एक बांस है और इस बांस में हम लोगों ने कपड़ा देख सकते हैं कपड़े से जाम किया है। दरअसल दोस्तों ये बांस ऐसा है कि इसमें लोगों ने एक बड़े सांप को, एक बड़े स्नेक को जाते हुए देखा है। तो फाइनली हमें बुलाया, हमने सर्च किया कुछ तो हमें सांप अभी तक तो नहीं दिखा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तलाश जारी रखे हुए हैं। हम अंदर से दिखाना चाहेंगे, ये इनका अंदर का कमरा है और आप देख सकते हैं ये किनारे वाला जो बांस है सांप इसी में होने की बात कही गई है। जो है हम लोगों ने एक खास यंत्र का उपयोग किया है स्नेक को आइडेंटिफाई ट्रेस करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमने स्नेक कैमरा लाया है और यहाँ हमें मोबाइल पे इसकी फुटेज मिल रही है। थोड़ा नजदीक से मोबाइल को दिखा दीजिए, ये हमें कैमरा की फुटेज जो है मोबाइल से मिल रही है और इससे हम जो है सर्च करेंगे कि इस बैम्बू में स्नेक है या नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली जो है हम लोगों ने स्नेक को देखा है कि वो इस बांस के अंदर है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब जो है इस बांस को तोड़कर उसे निकालने वाले हैं, बांस को चीरना है, फिर स्नेक निकालेंगे। हम तो बोल रहे हैं अंशु यहाँ जो है दोस्तों आप देख सकते हैं यह कोबरा सांप है यहाँ पर और बहुत डरा हुआ है ये, आप देख पा रहे हैं काफी डर गया है ये स्नेक और देख रहा है। हमने आप देख सकते हैं बांस को किस तरह से हमने फाड़ दिया है और ये स्नेक काफी भयभीत है। अब हम इस कोबरा का रेस्क्यू करते हैं दोस्तों। ये हम लस्कर है उधर कहाँ जाएगा बात, आप देख पा रहे हैं ये छिपने की कोशिश में अंदर जा रहा है और बाहर नहीं आ रहा है। वैसा जगह निर्मल भी अगर सौखे से गिरा है हम जान रहे हैं, इसीलिए तो सेफ्टी से कर रहे हैं, मरते ना जो डरते उसी जगह आया। तो बांस चीर चीर के तोड़ दीजिए ना, एक छेनी तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए निकलेगा।
काट देगा, पकड़ लीजिएगा मोबाइल में, देख लो ना ऐसे नहीं निकलेगा, ठोकना पड़ेगा तभी निकलेगा। मट्टी उठा हट जा चुचा जाता है उधर से ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं, मुंह यही सही है, ईटा से ठोकी नहीं, ईटा से समोचा ईटा से हुई है। चलो बाहर 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 ठोकिए 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 सब। हाँ ठोको ठोको, बच्चा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये काफी बड़ा स्पेक्टिकल कोबरा है साथियों, और घर के अंदर था, छप्पर में बांस के अंदर रह रहा था, चूहों की तलाश में ये आया होगा, लेकिन इतना बड़ा सांप अगर गलती से गिर जाता है, नीचे आ जाता है और लोगों का पैर पड़ जाता है इस पे, तो ये बाइट कर सकता था, तो ऐसे में काफी गंभीर सिचुएशन उत्पन्न हो जाती। नॉर्मली दोस्तों सांप बाइट नहीं करते हैं, सांप हमला नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपने शिकार से मतलब रखते हैं, लेकिन गलती से अगर पैर इनके ऊपर पड़ जाए तो आप देख सकते हैं ये इसने अभी पहले हुड फैलाया और चेतावनी दी, उसके बाद भी अगर पैर नहीं हटा तो ये बाइट कर लेता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफी खूबसूरत लेकिन काफी खतरनाक कोबरा है, और ये हमारे कैमरा की ओर देख रहा है, इसे हमारे कैमरा से खतरा लग रहा है। दोस्तों हम बताते चले, ये जहरीला सांप होता है, इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है, ऐसा सांप यदि बाइट कर लेता है आपको तो आपके पास 1.5 से 2 घंटे तक का समय होता है, इस दरमियान जो है आप बिना झाड़ फूक में अपना समय गवाए हुए हॉस्पिटल जाकर एंटी वेनम से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आपकी जान बच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ, आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।